हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हैं महादेव क्लैशर। तो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त ऋतिक और जैसे कि आप मेरा चैनल देख रहे हैं महादेव क्लैशर। तो फ्रेंड गेम तो चैनल का नाम तो सीओसी गेमर है, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले। तो चलिए यार, जिनमें से आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को तो कर दीजिए। और वीडियो आज की हमारी होने वाली है फ्रेंड्स लावा लून अटैक्स पर। और आपको मैं बता दूं कि मेरी क्यून जो है वो मैंने अपग्रेड पर लगाई हुई है लेवल 21 के लिए। तो आज तो हम क्यों उनका अटैक नहीं कर पाएंगे, तो ये विदाउट हीरोज़ ही आप तरीके के मान सकते हैं, क्योंकि किंग तो इतना कुछ करेगा नहीं, वो खाली हमारे लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा। इसलिए आप नो हीरोज़ इसको मान सकते हैं, नो हीरो वा अटैक स्ट्रेटजी ऑफ लावा लून। तो चलिए फ्रेंड, हम इसके बारे में बात करेंगे बाद में, और फिलहाल हम करते हैं अटैक। तो देखते हैं कोई अच्छा सा अटैक मिलता है तो हम उस पर अटैक करते हैं। तो अटैक आज बहुत नहीं कर रहा, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। तो चलिए पहले अटैक की तरफ बढ़ते हैं हम। तो फ्रेंड आप ये बेस देख सकते हैं को, तो इसमें हम तो पूरा यार 100% वगैरह तो कुछ नहीं ला सकते क्योंकि हमारी क्यून अपग्रेड पर है फ्रेंड्स। तो क्यून अपग्रेड पर है तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ख़राब की एक ख़राब बात है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका एक एयर डिफेंस जो है वो अपग्रेड पर लगा हुआ है और बाकी एक तीन डिफेंस है जो वो बिल्कुल पास पास ही हैं। तो इनका हम कुछ देखते हैं क्या करते हैं। तो फ्रेंड जो मैं अपने क्या बोलते हैं यार इनको लावा जो लावा है मेरे, मैं इनको छोड़ दूंगा ऐसे और बाकी मैं सब कुछ स्पैम कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और तीन रेज मैं यहाँ पर फेंक दूंगा फ्रेंड्स। और क्यून कहाँ पर है, क्यून 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 के ऊपर हम एक फेंक देंगे और यहाँ पर हमारे पास एक रेज की और ज़रूरत होगी और यहाँ पर एक रेज और फेंकना पड़ेगा। ओ सॉरी यार, मैं अपने बाकी बैलून जो है वो फेंकना भूल गया। तो हमें इनके पीछे पीछे जो बाकी अब छोड़ने पड़ेंगे, आप देख सकते हैं। तो यार ये इन्फर्नो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हमारे ऊपर कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा खतरा हमेशा इन्फर्नो का ही होता है यार। तो आप देख सकते हैं ये लो लेवल के बैलून जो मैंने क्लैन कैसल में थे, मैंने फ्रेंड ने दिए, तो इनका तो यार कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हो पा रहा। और आप देख सकते हैं वो हमें देख रहा है अभी, स्पेक्टेटर्स में आप जाके देखिए। तो फ्रेंड यहाँ से हमें तो आई थिंक कि 50% मिल जाए तो बहुत ही अच्छा यार। चलो डार्क तो हमने ले लिया लगभग, थोड़ा बहुत तो मिल ही गया यार, इतना नहीं मिला लेकिन चलिए खाने पीने के लिए बहुत ही है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं 45% हो चुका है और आई थिंक कि यहाँ पर हमें जो है 50% मिल जाए क्योंकि हमारे पास अभी किंग बचा हुआ है। तो देखते हैं कहाँ तक जाती है रेड, और ऊपर कुछ भी नहीं बचा। और यार एक सेकंड, सॉरी फ्रेंड्स इसके लिए। तो चलिए देखते हैं, 47% हो चुका है। और प्लीज़ यार मैं वापस से बोलना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, आगे फ्यूचर में भी हम इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे आपके लिए। और आई होप कि मैं आपको इन्जॉयमेंट के लिए कुछ नए नए कंटेंट्स भी लाता रहूँ। और फ्रेंड हम किंग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अगर मैंने किंग यूज़ किया तो मेरे को आगे वेट करना पड़ेगा और अगला अटैक जो है अभी मैं करूँगा आपके सामने। और आप देख सकते हैं 50% मिल चुका है हमें और बोनस मिल जाएगा तो बड़ा है, ठीक है यार बोनस मिल जाएगा तो इससे हमें कुछ ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं 2 लाख हमें जो है ऐसे मिल चुका है और थोड़ा हमें डार्क में जो है गिरावट मिली क्योंकि आज हमें डार्क की भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि आपको पता है कि जो चल रहा है इसका भी इवेंट चल रहा है लावा का, तो उसमें हमें खाली यार थोड़ा सा ही पे करना पड़ेगा लावा के लिए भी। तो लगभग इस रेड में हमने जो है डार्क अर्न ही किया है। तो आप देख सकते हैं अगली आर्मी हमारी ये वाली होने वाली है। और मैं यहाँ पर यार कुछ नो, यहाँ पर तो यार कोई है ही नहीं ऑनलाइन। तो चलिए यार इस क्लैन का तो मैं लीडर हूँ, आप देख सकते हैं लीडर हूँ तो इसलिए मैं छोड़ भी नहीं सकता अभी। तो चलिए अगले अटैक की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी डोनेशन के क्लैन कैसल ट्रूप के। तो देखते हैं यार कोई अच्छा सा बेस मिलता तो मैं आपके सामने आता हूँ वापस। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि एक बेस हमें और मिला है और मुझे यकीन नहीं है कि हम इस पर एक स्टार भी ला पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड इसमें डार्क बहुत है आप देख सकते हैं, तो मैं तो आपको पता है कि स्पैम के तरीके से ही खेल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं एक एयर डिफेंस यहाँ पर है और एक एयर डिफेंस यहाँ पर है। तो हम क्या करने वाले हैं, एक पहले लावा यहाँ से फेंकेंगे और इसके पीछे थोड़े सारे बैलून्स और एक रेज यहाँ पर फेंक देंगे और पॉइजन हम फेंक देंगे क्यून पर। 40 लेवल की क्यून है यार, तो डैमेज तो करेगी यार आपको पता ही है। और यहाँ से कुछ बैलून हम फेंक देते हैं, तो यहाँ पर भी हम एक रेज फेंक देंगे ताकि कुछ डैमेज हो यहाँ पर भी। तो आप देख सकते हैं क्यून अभी कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि क्यून के ऊपर अभी थोड़ा हमने स्ट्रेस डाल दिया है, तो वहाँ पर वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत क्लियर तो किया है लेकिन उतना नहीं कर पाए, 9 बैलून्स बचे हैं और हमारे पास आप देख सकते हैं लावा एक ही बचा है। लावा को छोड़ना तो बेवकूफ़ी होगी, तो चलिए ये बेवकूफ़ी हमें करनी पड़ेगी। तो एक रेज यहाँ पर फेंक देंगे हम और बाकी सारे जो हम इसके पीछे पीछे जो सामान है वो भी फेंक देंगे।
विजार्ड और लकी गॉब्लिन कहाँ पर फेंकें? आई थिंक हमें इसे यहाँ पर कहीं जगह ही नहीं, तो चलिए यहीं फेंक देते। तो आप देख सकते हैं बीच में से वैल्करीज निकली हैं, तो अब तो यार 50% तो दूर, मुझे नहीं लगता यहाँ से हम 40% भी गेन कर पाएंगे। तो ये भी हमें देख रहा है यार, ये हो क्या रहा है आज, हमें जो जिस भी रेड कर रहे हैं वहाँ से हमें स्पेक्टेटर्स ही मिल रहे हैं। और आई थिंक के वैल्करीज का काम तो चलो हो गया यहाँ पर, अभी हमारे पास बहुत सारे जो हैं तो देखते हैं क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, मुझे लग तो नहीं रहा कि हम यहाँ पर 50% ला पाएंगे, लेकिन चलिए देखते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इसको कहाँ से छोड़ना चाहिए, किंग को यहाँ छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारी वैसे भी लास्ट ट्रेड है, तो इसमें अभी हमें कुछ इतना तो देखना नहीं, तो जो होता है देखा जाएगा। अब तो यहाँ पर हम एक रेज स्पेल फेंक देंगे, क्योंकि हमें तो रेज स्पेल की कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे तो आपको पता है कि ये हम जीत नहीं पाएंगे। तो चलिए मैं इसको सरेंडर कर देता हूँ। और ये वाली रेड हमारी गई आज की पूरी बेकार, जिसमें हमने कुछ भी गेन नहीं किया, ओनली लॉस। और आपको मैं बता दूं फ्रेंड, आप यहाँ पर देख रहे हैं लावा लून का हमने जो है वो पहले ही सब कुछ कर दिया है, इसका जीत भी लिया है। तो बहुत सारे आगे इवेंट आने वाले हैं, तो उस पर भी मैं आपको वीडियो बना के जो है अपलोड करूँगा। और प्लीज़ यार सॉरी उसके लिए कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, इन दिनों 2-3 दिन हो गए शायद मैं वीडियो नहीं चढ़ा पाया, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और आप देख सकते हैं ऊपर हमारे पास गोल्ड कितना हो चुका है, और हमारे जो टाउन हॉल है वो बस 4 दिन के बाद खुल जाएगा। और हमें ईगल आर्टिलरी के लिए भी जो है माल चाहिए, तो आप देख सकते हैं 80 लाख हमें जो है ईगल के लिए चाहिए। और आप देख सकते हैं 2 बाल में ही हमारी पूरी लूट गई, तो यही होता है। तो चलिए, आप आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और किस टॉपिक पर अगली वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी लिख दीजिए। और प्लीज़ यार बैड कमेंट्स मत किया करो, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती तो सीधा बोल दो, ज़्यादा गाली वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं, उससे मुझे तो कुछ नहीं होगा भाई, मेरा कुछ नहीं जा रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो फिर से अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आगे वीडियोज़ आपके लिए अच्छी अच्छी बनाऊँ। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना अगर आप न्यू हो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। आई होप कि आपको आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।